अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज है ईद का तीसरा दिन, आप सबको तीसरी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं जा रही हूँ अपने दांत के डॉक्टर के पास, दांत टूट डाले क्योंकि मेरे दांत में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं जा रही हूँ दिखाऊंगी ये हाथी और मुस्तफा कितनी शैतानी कर रहे हैं। अबू हेलो गाइज, अबू 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 लाइक लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ऐसे बोलो लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय बाय। गाइस मैं अब निकल रही हूँ, जा रही हूँ, एक आसिफ मम को भी गोश्त देना था, वो भी मैंने साथ ले लिया है। और इसके अलावा मेरी एक फ्रेंड है उसको भी देना था, तो उन दोनों का गोश्त भी ले लिया है। तो पहले मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, उसके बाद आगे फर्दर दोनों जगहों पे जाऊँगी, देखते रहिएगा। तो गाइस मैं क्लिनिक पर पहुँच चुकी हूँ और डॉक्टर साहब का वेट कर रही हूँ। डॉक्टर साहब अंदर है और किसी पेशेंट को चेक कर रहे हैं, वो पेशेंट चेक कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं अपने आप को दिखाऊँगी। ये डेंटल वेन्यू है और ये ईद हो किसी भी दिन 24 घंटे की सर्विस है हर दिन पे इनकी। और ये आपको दिलपसंद के बैक साइड पे नॉर्थ नाजाबाद PSF पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ ही है, बैक साइड की उसकी गली में। तो वहाँ पर मैं आई हुई, अभी देखते हैं लोग सब क्या बताते हैं, रात में क्या प्रॉब्लम हुई है। गाइस ये डॉक्टर साहब मेरे चेक करने लगे। गाइस डॉक्टर साहब ने मुझे चेक कर लिया और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरी दो दाढ़ें निकालनी पड़ेंगी, तो इंशाल्लाह फिर वो ईद के बाद में निकलवाऊंगी। थैंक यू सर, आपने मुझसे फीस भी नहीं ली और मेरा काम बहुत अच्छा कर दिया। तो गाइस पापा घर पर जा रही हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ उनके फ्लैट की। और इससे पहले मैं गई थी नॉर्थ कराची की तरफ, वहाँ पर तो भाई मैं कोई वीडियो बना ही नहीं सकी क्योंकि रास्ते इतने ख़राब, एक ही चुरंगीपुर में 4 से 5 बार घूम गई। और गूगल मैप ने मुझे लेफ़्ट देन राइट देन लेफ़्ट देन राइट कर करके मैं दिमाग ख़राब कर दिया। फिर बीच में जो काम थे वो निपटा दिए, मैं वहाँ के घर पर जा रही हूँ ऊपर ये देकर फिर निकलूँगी। सीढ़ियाँ इनकी बहुत ज़्यादा है, 5 से 6 फ्लोर पर, 6 से 7 फ्लोर पर वो रहते हैं। अब इसे मेरी 3 सीढ़ियाँ चढ़ गई, सांस फूल गई। गाइस यकीन नहीं करेंगे कि हर फ्लैट के गेट खुले हुए और एक लज्जत वाली खुशबू हर फ्लैट से उठ रही, नई नई। और ये व्यू और गहराई चेक करें आप, गाड़ी मेरी छोटी सी नज़र आ रही है। तो गाइस मैं मामू के घर पे बैठी हुई थी काफ़ी देर से, यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, आम वगैरह खाया और अब मैं निकलूँगी वापस घर के लिए। और मामू के घर से मैंने मोमानी को भी और अपनी कज़न वगैरह को भी बोला कि आप घर से रहे साथ, तो ये लोग मेरे साथ चलेंगे, तो हम लोग वापस घर से जाके इन्जॉय करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, मज़ा करेंगे। तो इधर की वीडियो भी दिखाएंगे और यहाँ पर आप व्यू चेक करें। जी मैं ब्लॉग बना रही, ब्लॉग काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ से देखने में अच्छा लग रहा है। ऊपर चढ़ने में सांसें फूल जाती हैं, टूट जाती हैं, अटक जाती हैं, लेकिन उतरने में सही रहता है और उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। बाकी आगे आपको दिखाऊंगी, देख सकते हैं चील बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। आप इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा लगा लें इस बिल्डिंग की, कि चील भी बिल्कुल सामने है। तो गाइस हम लोग इनकी छत पे आ गए, मेरी कज़न उमायमा ने मुझे बोला, देख सकते हैं आप उमायमा को, उमायमा ने मुझे बोला कि गुड़िया आप ही आप छत पे चलें, छत का व्यू चेक करें, छत पे से तो और ही बहुत ही ज़बरदस्त व्यू नज़र आता है, तो ये चेक कर सकते हैं आप। अच्छा बाउंड्री कहीं पर भी, अच्छा इसका कहना है कि यहाँ से कायदा के मज़ार भी नज़र आता है, गाइस आप देख सकते हैं मैं जूम करके यहाँ से आप लोगों को दिखा रही हूँ कायदे आज़म के मज़ार। ये देखें गाइस, चेक करें, ये आपको नज़र आ रही है वाइड गुंबद जो कि है कायदे आज़म के मज़ार की।
और सेवन फ्लोर पे खड़ी हुई हूँ, सेवन फ्लोर पे मैं खड़ी हुई हूँ इस वक्त, और आगे पीछे से आपको भी दिखाती हूँ। और ये सारे बिल्डिंग्स, टोटल बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ऐसे, आप देख सकते हैं। ये देखें, और यहाँ से आपको गहराई चेक करवाती हूँ, गहराई चेक करवाती हूँ आपको। ये देखें, दरअसल मेरी भी थोड़ी सी अंदर से हिल रही है ना तबीयत, तबीयत हिल रही है, समझ सकते हैं ना आप लोग, तबीयत हिल रही है का मतलब। तो गाइस देख सकते हैं, इसके ऊपर भी एक छत है, तो मामा मुझे कह रही है कि यार चलो इसके ऊपर चढ़ के वीडियो बनाते हैं, तो देखते हैं ऊपर चढ़ते हैं हम लोग। सो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ और ज़्यादा ऊपर आ गए, गुड़िया आप ही नीचे खड़ी हैं, गुड़िया आप ही आओ ऊपर। गुड़िया आप ही को डर लग रहा है। तो गाइस यहाँ से आप व्यू चेक कर सकते हैं, मैं तो ऊपर नहीं चढ़ पाई, देखे हुमायूं ऊपर चढ़ी हुई है क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा है, और ये जो लकड़ी की सीढ़ियाँ ये तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की हैं, एक तो ऊपर की तो स्टेप ही नहीं है, उसकी लकड़ियाँ एक्स्ट्रा एक तरफ की गिले निकली हुई है। देखें हुमायूं उतर रही है बड़े आराम से, मुझसे नहीं चढ़ा गया ऊपर तक, तो मैं गई आधी सीढ़ियों के ऊपर, लेकिन मेरी हिम्मत ख़त्म हुई क्योंकि नीचे उतरने का बड़ा मुश्किल था। देखें मुसीबत से उतरी मैं तो अल्लाह मंडी हो जाती। तो गाइस मैं निकल चुकी हूँ मामू के घर से, और मेरी एक कज़न उमायमा वो मेरे साथ जा रही है, जल्दी आ जाओ यार, बस हम दोनों निकल रहे हैं। तो गाइस मैं घर पहुंच गई, चेंज वेंज कर लिया, सुकून से लेट गई, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, घर में थोड़ा ठंडा हो रहा है, लाइट तो वैसे यहाँ पे भी चली गई, ईद की तीसरे दिन भी सुबह से ही जा रही है, बार बार जैसे टाइम से लाइट जाती है, लेकिन घर में चले पंखा चल रहा है तो सुकून है। फिर मिलेंगे शाम की नई व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।